कई बार किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उसके जीने के मकसद को ही बदल देती हैं। इसके बाद वो परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था उदयपुर के एक मार्बल व्यवसायी राकेश अग्रवाल के साथ, जिसके बाद उन्होंने लावारिश और बेसहारा मरीजों की मदद करना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल में मरीजों की सेवा करते, उनकी मदद करते, इन साहब को पहचानते हैं आप? ये कोई डॉक्टर, नर्स या चिकित्सा विभाग के अधिकारी नहीं है, बल्कि ये जनाब शहर के सबसे बड़े मार्बल कारोबारी राकेश अग्रवाल हैं, जो करीब 15 साल से निस्वार्थ उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल की आपातकालीन इकाई में आने वाले मरीजों की मदद कर रहे हैं। मरीजों को एक्सरे, ईसीजी, एमआरआई रूम ले जाने के साथ उनके वार्ड में भर्ती कराने तक उनकी मदद करते हैं। मैं रनकपुर से जब आ रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी खाई के अंदर करीब 200 फीट गहरी खाई में गिरी। तो उस दिन मैंने सोचा कि एक बार अगर मान लो मैं अपनी जिंदगी में से 2 घंटे, क्योंकि मुझे ईश्वर ने ही बचाया उस दिन, तो मैंने कहा 2 घंटे मैं जरूरतमंदों के लिए एक बात हूँ अपनी जिंदगी में से निकाल करके रोज डेली नियमित हेल्प के लिए आऊंगा। दरअसल करीब 15 साल पहले राकेश अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ रणकपुर से उदयपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान रणकपुर के घाटे के पास उनका एक्सीडेंट हो गया था। जैसे तैसे वो रात को करीब 1 बजे एमबी अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी किसी ने मदद नहीं की, जिसके बाद राकेश अग्रवाल ने अस्पतालों में मरीजों की मदद करने की ठान ली और 15 साल से लगातार अस्पताल में मरीजों की मदद कर रहे हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था चंपलाल धर्मशाला के बाहर आज से लगभग करीब 8-9 साल पहले, और जब मेरा कोई भी मतलब अटेंडेंट नहीं था, मेरे को कुछ लोग उठा के अस्पताल में लाए। सर ने लगभग 3-4 महीने मेरा बेड रेस्ट था, मेरे को जहाँ भी मैं रहता था वहाँ मेरे को चाय ले जाके पिलाना, मतलब हर तरीके से मेरी जो संभव थी हेल्प की। बहरहाल सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार लोग शिकायत करते रहे हैं, लेकिन उन्हें दूर करने की कोई अपने स्तर पर कोशिश नहीं करता है। ऐसे में राकेश अग्रवाल जैसे लोग उन लोगों के लिए नजीर हैं। शिकायतें करने से पहले खुद समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। राजस्थान।